Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप सब हाजरीन और नाजरीन को प्यार भरा सलाम अदाब। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। रब्बुल आलमीन आपकी जिंदगियों में खुशियों की बहारें जारी और सारी रखें। अच्छा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अगर आप यहां आना चाहते हैं, एक नंबर स्क्रीन पर चलेगा जी, 03200887701 पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक कॉल रिसीव होगी और यहां आके आप हिस्सा बन सकते हैं। शो का आपको बता दिया जाएगा आपने कब कितने बजे और किस दिन आना है। 2 घंटे 2.5 घंटे की हमारी रिकॉर्डिंग होती है, आप यहां एंजॉय करेंगे और जाके अगले या 1 या 2 दिन बाद आप अपने आप को शो में देख भी सकेंगे। हफ्ता और इतवार को हम किसी न किसी मौजू का पीछा करते हैं, उस पर बात करते हैं। मेरी सारी टीम, मैं जान रंबो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके 2 घंटे इंशाल्लाह बड़े खुशगवार होने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं मौजू की तरफ। खवातीन हज़रात, इंसान की शादी होती है, मेरा ख्याल इंसान की होती है। इंसान की जब शादी होती है शुरू शुरू में, तो बीवी के जहेज के साथ और भी बहुत सारी चीजें आती हैं और उसे बड़ी खुशी वो कबूल करता है, बड़ा खुश होता है। शुरू शुरू में वो चीजें जब जहेज के साथ आती हैं तो बंदा बड़ा खुश होता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं, वही चीजें उसको बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है नई नई शादी होती है तो शुरू के 6-7 महीने तो बंदा शर्मीला शर्मीला ही फिर रहा होता है और शर्माते हुए उन बातों का जिक्र नहीं कर सकता। 6-7 महीने के बाद टाइम ऐसा आ जाता है कि अब उस बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि गल जो तो पुरानी हो जाती है, उधर फायदा कोई नहीं होता, मौका निकल चुका होता है और वही चीजें बुरी लगती हैं और बंदा चाहे भी कि वो चीजें उठा के बाहर फेंके लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। आप जानते हैं वो चीजें कौन होती हैं, वो क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? किसने हाथ खड़ा किया, जरा देना जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुल्फकार अली। जुल्फकार अली साहब, आपने हाथ खड़ा किया, आपको पता है वो चीज क्या है? हाँ जी पता है। क्या है? एक अदद साला। आपको कैसे पता चला? खैर मैं अभी पूछता हूँ जी, ये बिल्कुल जवाब इनका दुरुस्त हुआ जी, माशाल्लाह। लगता काफी कोई हाथ लगे ने तो साले दे, शक्ल से लग रहा। मैं अभी करता हूँ आपसे बात, मैं जरा पहले पूरी बात खत्म कर लूँ। अच्छा जी, एक तो होते हैं साला साहब और जाहिर है वो साथ आ जाते हैं, और मैं उन सालों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सब हर घर में ये नहीं होता। ये वो साले होते हैं जो बड़े लाडले होते हैं, कुछ करते नहीं हैं, उनको कुछ करने भी नहीं दिया जाता और वो बहन के घर में रहते हैं। साले तो सब होते हैं और सारे ऐसे नहीं होते कि जो आते हैं मिलके चले जाते हैं, लेकिन ये कुछ वो साले होते हैं जो 500-1000 घरों के बाद एक आध घर ऐसा आपको मिलता है कि वो साला साहब हर वेले उत्थे ही होते हैं, भैन के घर ही पे है उत्थे ही। अच्छा एक तो जी ये जुल्फकार अली साहब ने बिल्कुल सही कहा है, और एक रिश्ता और होता है जी, कजन भी होता है, एक लाडला कजन भी होता है और वो भी साथ कभी कभी आ जाता है। और बहुत सारे ये रस्में भी होती हैं खानदानों में कि ये जो बच्चे होते हैं छोटे होते हैं वो साथ जाते हैं, अब वो लाड प्यार में खेलते खेलते उनको आदत पड़ जाती है, काम भी नहीं करते तो वो आना जाना बहुत हो जाता है। अब अगर वो साहब जो हैं जिनकी शादी हुई है, अगर वो साले को कुछ कहेंगे तो बीवी नाराज़ हो जाएगी कि ए रोज़ क्यों आंदा है, अगर वो कज़न के बारे में कुछ कहेंगे तो बीवी के रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे और बेचारा गुम सुम होकर गुजारा करी जा रहा है और कुड़ रहा होता है, बहुत बुरे लगते हैं उसे ये रिश्ते, लेकिन उनको कुछ कह नहीं रहा, कह सकता, वो वहीं रहते हैं। अच्छा जी आजी साहब, आजी लग रहे हैं आप मुझे। हाँ जी आजी हैं आप? हाँ जी हाँ जी। माशाल्लाह कितने हज कर चुके हैं? मैंने 2 हज किए हैं। माशाल्लाह 2 हज किए हैं जी। अच्छा जी, तो आप क्या बताएंगे, क्या किया साला साहब के साथ आपने, या उन्होंने आपके साथ क्या किया? नहीं जी, मैं तो शादी हुई मेरी, हाँ जी, कोई तकरीबन 3 महीने बाद एक अदद साला साहब भी आ गए। 3 महीने बाद? शुक्र करें जहेज के साथ नहीं आया। नहीं नहीं, वो तो 3 महीने। आप खुशकिस्मत है माशाल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा तो वो घर ही सोया रहता था, हर काम में उसने पंगा लेना, ये क्या वो क्या, मैं तो तंग आ गया। अच्छा मैंने फिर कुछ देर बाद बीवी को तलाक दे दी।
मजाक कर रहे हैं। नहीं जी सही कह रहा हूँ जी। ओ नहीं नहीं कैसे हो सकता। नहीं जी ऐसे जी साले से तंग आके दी जी। घर खराब कर रहा था वो। बहुत ज्यादा घर खराब कर रहा। की बात है आपने तलाक दी? मजाक कर रहे हैं। नहीं दे दीजिए तलाक। अच्छा फिर क्या किया? कागज साथ नहीं लाए नहीं तो वो भी दिखा देता आपको। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर एक शादी की। अच्छा माशाल्लाह फिर तो वो तो फिर बाजे बजे ने। हाँ जी फिर बाजे बजे जी। अच्छा वो फिर दो तीन दिन में फिर एक साल आ गया उसका। उससे भी ज्यादा उसी खानदान में शादी की आपने? नहीं जी किसी और जगह जी। अच्छा किसी और जगह शादी की है। फिर साला साहब आ गए। फिर साला साहब आ गए उसने भी घर खराब कर दिया। ये मजाक कर रहे हैं या सही बता रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ जी। आप मेरी बात पे बिलीव करें जी। पक्की बात है? पक्की जी बिल्कुल। अच्छा उन्होंने भी तंग करना शुरू, मतलब आपके नसीब में साले ही है? साले ही है। उसको भी मैंने जी कुछ दिन बाद तलाक दे दी। हाजी साहब पक्की बात है या मजाक कर रहे हैं आप? सिर्फ लाफ्टर लेने के लिए? सर जी इतने मोटे सर कागजात है मेरे पास तलाकों के जी। हम अगले शो में आपको बुला के मैं वो कागज मंगवा लूंगा। नहीं जी हाजिर है जी। दूसरा फिर आप तो मतलब यार तो उसमें बीवी का क्या कसूर है? नहीं जी वो पंगे ही इतने लेते हैं साले। ये क्या कर रहे हैं? आज ये पका लें आज वो कर लें। तो क्या जी भैन काल ला जाओ उ पका लो। मैं क्या जी उन्होंने नाल ही ला जाओ। चले आजकल आप ठीक है माशाल्लाह। नहीं जी आजकल फिर तीसरी की उसके साथ भी यही पंगा। ओ ये मैं किस मुसीबत पड़ा? तीसरी के साथ भी ये सच्ची बात है? हाँ जी तीसरी। हाजी साहब मुझे यकीन नहीं आ रहा। सही बता। नहीं सही कह रहा हूँ। तो उसने भी तंग किया? वो आजकल घर में ही है? नहीं जी नहीं उसको भी तलाक दे दी। यार आप मुझे ना मैं माफी के साथ आप बकवास कर रहे हैं। मैं पूछ लें सर आप बकवास कर रहे हैं। मैं मेरा शो खराब ना करें। यह हो नहीं सकता। तीन तलाक आपने वाकई? सर अब बहुत खुश हूँ क्योंकि आज अब आपने शादी नहीं की होगी? और नहीं जी कर ली बड़ा मजे में हूं। एक मिनट ठहर जाओ। चौथी शादी भी की है? हाँ जी कर ली जी। तो अब मजे में कैसे हैं? अब मजे में ऐसे हूँ अब मेरा साला ही कोई नहीं है। यार ये आप कहानी बना रहे हैं? ना ना सर कहानी नहीं। आप अपनी नींदरे सोते हैं अपनी नींदरे जागते हैं। पक्की बात है? माइक जरा पास कर। हाँ जी अब तो कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है जी। अच्छा तो बीवी भी नहीं पूछती कि सुते हो तो सुते मोए रहो? सॉरी 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 सुते रहो जाग रहे हो तो जाग। नहीं 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 बहुत एंजॉय कर रहा हूँ जी जिंदगी। अब मजा आया शादी का। तो पहले तीन शादियां सालों ने खराब की? सालों ने खराब की। मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा। आपका नंबर लेके मैं जरा पूछूंगा आपके। नहीं जी सर मेरे मोहल्ले में आप पूछ सकते हैं जी। मैं वहां से मशहूर और मरूफ तीन तलाके देने वाला बाजी साहब सालों के हाथ से। तीन तलाकिया जुल्फकार अली? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे जुल्फकार अली साहब और अल्लाह करे कि आपकी ये शादी है कायम दायम रहे। दुआ कीजिए अगर सच्ची बात है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं 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 वो पता क्या अब वो इसलिए कि सास ससुर मर चुके हैं साले की कोई उम्मीद नहीं। माशाल्लाह। अच्छा सास ससुर भी नहीं है साला भी नहीं है इसलिए आप खुश हैं। लेकिन मैं आज अपने शो में एक ऐसे मजलूम शख्स को बुलाने लगा हूं। आपने तो जान छुड़ा ली है। वो जान नहीं छुड़ा सके जी। साला भी और एक कजन भी बीवी का जो है वो साथ ही आए हैं और साथ ही रह रहे हैं और कोई काम काज नहीं करते। एक तो होता है ना साले आते हैं मिलके चले जाते हैं बड़ा जबरदस्त और प्यारा रिश्ता है। लेकिन बाज़ोकात जैसे इनकी जिंदगी खराब हुई है सालों की वजह से घर खराब हुआ है तो बाज़ोकात ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जो आज साहब जिनका पीछा हमने किया है जुल्फकार अली साहब वो आपकी तरह बहादुर नहीं है। उन्होंने हिम्मत नहीं की। अच्छा चिन तलाकी नहीं हुए वाले। अच्छा वो अभी पहले भी नहीं हुए। अच्छा तो उनको बुला के पूछते हैं जी कि उनको क्या क्या मसाइल हैं और कैसे उनकी शादी हुई क्या शरायत थी। बड़ा जबरदस्त शो होने वाला है जी। आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद क्योंकि हम वेलकम बैक खवातीन हज़रात हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी हाजी जुल्फकार साहब से। या अल्लाह खैर कितने खुश हैं यार। तीन शादियां तीन घर बर्बाद करके चौथी शादी की हुई है और खुश है। नंबर इनका ले लिया जी। हम पता करेंगे अभी अगले ब्रेक में जरा पता लग जाएगा कि वाकई इन्होंने सही कहा है या
ये मजाक कर रहे हैं। अच्छा जी, उस मजलूम आदमी की, शख्स की आप बीती और कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं जिसकी शादी में दो ऐसी चीजें आई जिनका हमने ब्रेक से पहले जिक्र किया और उनके साथ क्या कुछ हुआ उन्हीं की जुबानी पूछते हैं। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं कौसर भट्टी। सलामुलेकुम। मरसलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बट ठीक हूँ, क्या होना हमारा, दुखी इंसान। दुखी इंसान? हाँ, कैसे? शादी कर बैठे। शादी ने तो सब करते हैं, मैंने भी की हुई है भाई। शादी साथ जैसे तैने करी, खुदा दुश्मन की ने करे ऐसा। मैंने क्या किया? मेरी शादी हुई है। ओ भाई, ते इस बात की मिट्टी डाल, जो मेरी बात है ना वो सुन। क्या हुआ? दुखी इंसान। क्या शादी करी? देखिए, आप ऐसा मुंह ना बनाए, आपका सादा नहीं अच्छा लगता। आगे से आपने यूं किया हुआ। दुखी इंसान जो होता उसका यही चेहरा होगा। अच्छा, तुझे क्या पता? एक तो साला घर में। जी, एक गाल में साला। साला घर में जी। इभी जैसे वो भाई बता रहा था ना, वो बैठा नहीं, ये जो जुल्फकार अली साहब, ये जो सऊदी अरब का चोर नहीं। ये भाई अपना दुख बता रहा था, मैंने अपनी स्टोरी याद आ रही थी। नहीं नहीं, वो दुख तो नहीं बता रहा, वो बंदा तो बहुत खुश है भाई। इब खुश है ना? हाँ। जो पहले दो तलाके दी वो मेरी बहन को दी उसने। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, फिर दो नहीं तीन, तीन दी है। कितना खुश है। तलाके दे दी, चौथी शादी कर ली। हाँ। ते अभी भी फिर रहा ये बगैरती नहीं। अच्छा भाई, एक मेरा साला, एक साला, एक मेरा कजन, एक उसका कजन, उसका कजन जो है बीबी का, मेरा ही लगा ना कजन है उसमें, कौन सी बात, मैं तो यही समझू। ठीक है, साला कहीं भी नहीं, शादी जब से हुई साथ, शादी के दिन ही आ गया था। शादी का वो तो शादी से भी दो दिन पहले आ गया था। शादी से दो दिन पहले आपकी तरफ? हाँ, सामान समून लेके आकर मैं सेटिंग करूं। अच्छा, उसने सामान की सेटिंग करके अपनी भी वही सेटिंग कर ली। अच्छा, वही सेट हो गया। उसका कजन, अच्छा, इब शादी होगी, उसको मैंने कभी फोन करे ना कि भाईजान किधर हो, तो मैं उसको ऐसे कह दूं कि मैं घर नहीं हूं, लेकिन मैं जब वापस आता हूं ना, मेरे से पहले घर बैठा होता। पहले घर बैठा होता। पहले वो भी वही, छोटा साला भी वही, क्या कुछ नहीं हो रहा तेरे, क्या बता तू। देखिए, आप अगर आपने रोना है, ऐसा मुंह बनाना है, उधर मुंह करके रोएं। लेकिन भाई ये देखो मेरी बात सुनो, तने भी शादी करी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरे यहाँ तो कोई साला वाला नहीं आता। तैं बता, तेरा अपना क्या प्रोग्राम, तेरे साला जब तेरी शादी हुई। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। कुछ मोर्रखीन ये बता, मैं मोर्रखीन, कुछ किताबों में ये लिखा के शुरू शुरू तैं भी घर जवाई था है? कुछ किताबों में लिखा भाईजान, क्या और हो गया? कुछ मोर्रखीन जो किताब में लिखे हैं, कोसर भट्टी साहब सुन लेना, कुछ मोर्रखीन जो वो ये भी बतावे जी के उसके बाद जो है, मतलब तेरे साले सुले वो तेरे साथ नहीं थे। अच्छा, शुरू में कोई नहीं था मेरे साथ? शुरू में नहीं था, शुरू में सारे मेरे साथ थे, मेरी सासू माँ मेरे साथ नहीं थी। अच्छा, साले वाले तेरे साथ थे? हाँ जी, एक साल है मेरा माशाल्लाह। अच्छा, एक साला। हाँ जी, तो सास तेरी क्यों नहीं थी तेरे साथ? बस वो नहीं चाहती थी हमारी शादी हो। फिर कैसे हुई? बस मैंने कर ली। लेकिन मेरी सास जो, जिसे मेरी शादी हुई, हाँ, मेरी सास इतनी डिसेंट औरत थी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैं जाता तो उसके चक्कर में था। खुदा ना खास्ता, बाबी के चक्कर में? ना ना, हाँ, उसके चक्कर में, अपनी सास के चक्कर में जाता था। क्या? वो मने माँ की तरह प्यार करे थे। अच्छा, गलत बात ना समझो, खुदा ना खास्ता। अच्छा, वो मेरी सास है, मेरी माँ है, माँ की तरह प्यार करती थी। माँ की तरह प्यार करती, जाता था मैं उसके चक्रों में था। हाँ, कि भी उससे मैंने मोहब्बत मिले है, उससे मेरी दिल लगी है, उससे वो मैंने बेटा समझा। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने आपको बेटा बना लिया? उसने मैंने बेटा बना दिया, बेटी दे के बेटा बना लिया, बेटी दे के बेटा बना लिया। ठीक हो गया, ठीक है ना। अब ये मेरे अजाब गले में पड़ गया, अजाब गले में पड़ गया, अल्लाह से अजाब पड़ गया।
الزام میرے گلے پڑ گا. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی کہ میں مٹھائی لے آتا ہوں 5 کلو, ایک سوٹ, ایک جوتی, تیرا سگرد ہو جاتا ہوں. میں نے بتا اتنے سارا سلسلہ کیسے کرا. تو آپ نے کچھ نہیں کہا اس کو, نکالا نہیں ابھی تک گھر سے. کس کو؟ سالے کو. بہت اچھے, اس کو گھر سے نکالوں عورت سے چھتر کھاؤں. اچھا تو چھتر کھا کھا کے اچھا تو یہ ایسا وہ جس کا تنے بھی انٹرویو کرا نا, ہاں اس کو بول ٹوپی اتار. دیکھ جے اس سے زیادہ بیڑا نہ کرے کو تو میں نے پکڑ لیا. اٹھا ٹوپی اتار. آج ہی ذوالفقار صاحب ٹوپی اتار کے دکھائیں. یہ دیکھ ڈبل ٹوپی, ڈبل ٹوپی اس نے پہن رکھی. ڈبل ڈبل کس طرح؟ وہ بال ہیں. کہاں وہ بال ہیں؟ لو اس نے جوتی کھائی ہے نئی. اچھا میں نے کھائی گھسی گھسائی, اس کے بھی سفید ہو گئے. لیکن ریمبو میں اس عورت کو بلا, ابھی پتہ لگ جاتا ہے, اس سے پوچھ. اچھا بھابھی ساتھ آئی ہیں؟ بھابھی میری باہر کہیں بیٹھی ہوگی رکشے میں سگریٹ پی رہی ہوگی. رکشے میں سگریٹ؟ بھابھی سگریٹ بھی پیتی ہیں؟ بہت اچھے, جن کی تین تین چار چار ہوتی وہ تو کیوں بھائی. چلیں کوثر بھٹی صاحب, ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. بھابھی کو بلا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے. آپ تشریف رکھیں. تشریف تو میں رکھ دوں گا, چھوڑ دے تو تشریف تو میں ایسی رکھوں. یہ دیکھ رکھ دی. چلیں بہت شکریہ جی, آپ کی تالیوں میں تشریف لاتی ہیں. کرسیاں بڑی کر لے, تشریف تو پھنس گئی. چلیں وہ ہمیں نہیں پتا تھا نا آپ نے آنا ہے. بس وہی نا تجھے پتا نہیں. چلیں بس ٹھیک ہے, تو آپ کی تالیوں میں تشریف لاتی ہیں مسز کوثر بھٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انے ہو گیا تھے آ کے ٹڈ کٹ کے بہ گئے, باہر رکشے لینے کرایہ کنے دینا سی؟ دماغ خراب ہوگا تیرے میں, پیسے میں نے رات تجھے تنخواہ لا کے دی. کوئی تنخواہ دے اے, مینوں پیار ہی نہیں کردے تسی, مینوں سچا پیار ہی نہیں کردے. کوئی کدی نہ ٹائم دینا نکارن ہے, نہ میں نے کوئی فالتو گل کرنی, نہ کوئی بندہ دکھ سکھ بولدا. سر چ میرے درد, باہواں چ میرے درد, پیراں چ میرے درد. سچا پیار ہے, میں تجھے کیا اپنی بتیسی نکال کے دے دوں تجھے. یہ بچے کتنے ہیں؟ 8 بچے رکھے نے میں ککڑی دے. اچھا مرغی کے بچے ہیں؟ ہاں ہاں, اس کا اپنا نام بھی ککڑی ہے. نہ کی کرے, یہ بھی رات میرے کمرے میں نہیں آتی, کہتی میں کھڈے میں رہوں گی. میں نو اپنے ماں نے دسو, اگر اے میرا دھیان کرن, اگر اے میرے نال سچا پیار کرن تے میں اپنے بھراں نوں کہ جا, اوہی میرے دکھ سکھ بولدا ہے, او میں اونوں کتھے چھڈاں. نہیں میں تیرے سچا پیار کیا کروں کہ سویرے ناشتے میں اٹھ کے بلیڈ مارا کروں تیری خاطر. یوں کیا بات ہے؟ نہ تیرے سچا پیار کروں, جان جان پہ چڑھ کے نیچے چھلانگ لگا دوں, مطلب رکشی اور کوثر. جدو پیار کی گل کی, رومانٹک گل کی, گوئن جی کہ تیرے ساتھ پیار میں نہیں کرتا. نہیں کر دے تو اس کو نکال, وہ اس کو نکال. میرا پیار وہ لومبڑی کی پوچھل جیسا اس کا منہ ہے, اس کو نکال کر سے. اچھا وہ ریمبو میں اس سے دل جان سے پیار کروں؟ اچھا تو یقین کر, اس کے بغیر میں روٹی نہیں کھاتا. اچھا اس کے بغیر نہیں کھاتے؟ ہاں یہ گھروں میں سے لاتی تو میں کھاتا ہوں. گھروں میں سے کیا ہے یہ, کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ؟ کیا مطلب گھروں میں پکاتی نا؟ اچھا گھر میں سے لے کے آتی. ایک تو تیرا بھی دماغ خراب ہو رہا. میری گل سن لے, میرا بھرا کتے نہیں جائے گا, میرا بھرا میرے گھر چ رہے گا. وہ خالی ہاتھ جدو بھی آندا نا شامی کوئی فروٹ لے کے آندا, کوئی چیز لے کے آندا, اے سنڈا جا صرف کھابے کھاندا ہے. وہ بغیرت کا بچہ کیسے لاتا فروٹ تجھے بتا دے. بغیرت کا بچہ نہیں, وہ سارے علاقے میں پھرتا, جہاں کہیں کل کھانی ہوتی وہیں بیٹھ جاتا. ہاں میں بھی کہوں تو مجھے یہ بتا رہے ہیں, وہ تیں بھی سمجھدار آدمی ہے, اللہ مجھے معاف کرے, کہ کبھی زندگی میں ریڑیوں سے کٹا ہوا فروٹ ملتا نہیں؟ کبھی بھی نہیں. کیلے کٹے ہوئے, سیب کٹا ہوا, کیلے جو ہے نا ان کو پھولیاں چمڑی ہوئی, پھولیاں. تو یہ
ये ऐसा फ्रूट किस रेड़ी से मिलता है? ये इससे पूछो। हाँ मैंने पूछा जी, कहना मैं बारह ही कट के ले आना। हाँ बारह कट के लाता। मेरी गाल सुन ला वे संडे, मेरा भरा कितने नहीं जाएगा, मेरे नाल रहेगा, तू मेरे सच्चा प्यार नहीं करता। तो मैं चला जाता हूँ। क्यों चला जाता है? मैं तू मेरा खामन। ये बतने से कैसे सच्चा प्यार करूं, से मेरे उठ के खंजर मारूं मैं, क्या तेरे से प्यार कर दूं? जो मर्जी कर लो, मेरा भरा कितने नहीं जाएगा, मैं तन दस देता है। भाई ना जाए, मैं चले। भाई तो भाई, कजन भी यही। उस कजन के साथ तेरा कर देती जा वड्डे हो वो खेलने पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। लड़े ना, अभी आपके मसले का हाल देखते हैं। की मसले ब्रेक का वक्त ना है। ना ना देख लो, लड़ता नहीं। हाँ। नहीं लड़ते इससे, मेरी मोहब्बत है, यकीन कर। मोहब्बत है जब गल करो, कहंदे कोसर तेरे नाल बड़ा प्यार करदा, बंदे दी रूह ही मर जांदी। लै कोसर मरदा दा कोई ना होंदा ना, ते फिर भी मैं प्यार करना सी। अच्छा अब लड़े ना, ब्रेक का वक्त हुआ जी। वो जो जड़ है जी लड़ाई की, उनको बुलाने से पहले ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक पे जाते हैं जी, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम बढ़ाए रिश्तों की मिठास। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे कुछ मेहमान जरा दूर से आए हैं, वो अब पहुंचे हैं जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। आप सबका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए थे आप। मेरी बात देख, मेरी बात। हाँ जी, तमुल मिजाजी से था काम ले अपने भाई को जो है ना, उसको मैं कहीं अलग घर ले देता हूँ, वो उस घर में रहे। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ अलग घर ले लो, मैं मेरा भरा था, तुम अभी उस घर चले जाने। अलहदा कर ले लेने ना, तो मैं मेरा भरा ते तुसी असी तीनों अलहदा कर चले जाने। तो इस घर से क्या कोबरा निकल आया? चले जी, बुलाते हैं जी उनको, आपके भाई को बुलाएं जी। भाई फिर वही कह रही है घर ते ले ले। हाँ। मेरा भाई तू और मैं उस घर में चले। मेरा भरा नहीं जाएगा, क्योंकि क्या कभी गोश भी नाखून से जुदा होता है? भाई तू इस घर में से क्या कोई फिरौन की लाश बरामद होगी? ये घर तेने छोड़ना। फिरौन की लाश कितना नाखून गोश से जुदा नहीं होता, तो आपने शादी नहीं करनी थी, वही रहती। नहीं, जब शादी किया तो नहीं कर दे, तुम्हारी वजह तो मेरा बस मेरा भरा मेरे नाल रहेगा। मैं तो ये प्यार नहीं करता। नहीं कर दे। आज मैंने पेट्रोल डाल के आग लगा के ना तेरे सामने ना यूं वो हेलीकॉप्टर रक्स करूं, फिर तेरे पता लगे मैं तेरे से प्यार करूं, तेरा खाना खराब हो जाए। ए, ए, एक मिनट, बुलाते हैं आपके भाई को, बुलाते हैं। क्या नाम है उनका? वीरा। चलो वीरा। कुनाली में बाजरा पड़ा, वो इसको डाल यहाँ डाल इसको। ये कुनाली होता नहीं पाई। हाँ पाई है। ये आपका भाई है? हाँ। जी 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 जी। इसकी वजह से आप अपना घर खराब करके बैठे। मेरी बाजी है, मेरी बहन है, तानू की। मेरा भरा मैं सदके, मेरा भरा तेरे पड़वैया दी उम्र भी तेनू लग जाए, मेरा सोना। ओ कुछ खाण ली दे बाजी, और तू ही दे दे, आप ही खाई जाना। खाने के लिए ते खाने के लिए पता क्या खा? बीपी मेरा। गैरत खा, बगैरत का बच्चा गैरत खा। अच्छा गैरत ना ढेड भरदा हुंदा ते तू ना रज जांदा। अच्छा नहीं, तू तो इस बात को समझता।
किस वो मिसाल तूने सुनी ना जी कि सोरों के घर जीवा और बाण के घर में तुम दोनों ही शब्द खड़े हो मैं सदके मेरा ठंडिया छावा पड़वाइये शिखर दोपहर और मावा ठंडिया छावा जिदी मां मर जाए भैणा भी मावा ही होंदिया ने जिसकी मां मर जाए वहां तू भी मरना जाके तू क्यों मेरे सिर अच्छा तो तू क्यों नहीं मार रहा तू स्टे ले मेरा भरा कितना कमजोर हो गया बाजी देख ला यकीन करो मेरे सामने फ्रूट खांदा और छिलके मेरे हाल सुट के कहंदा इच फ्रूट पवा ले कितना कमजोर बहुत कमजोर होगा इसको टायरों वाले पे ले जा 32 पाउंड हवा भरवा इसमें गंदी गाली दो शुक्र कर तेनू असी भैन देती तेन आ नहीं देंदा शुक्र कर तेन भैन देती तू तो सुता हो तेरे तक रजाई नहीं देंदा शुक्र कर तेन भैन देती जो तू जमया तेन किसी ने लोरी नहीं दी लोरी कैसे देते पारा ही एडा सी तेन खुसरे दे थले आके मर गया अच्छा अपना बट्टी साहब आप पैदा हुए थे आए थे खुसरे वुसरे कितने पैदा हुए जिसे सवाल ही पैदा नहीं होता उठे तो आपके घर में रौनक लगी थी जब आप पैदा हुए थे हाँ मैं तो जब पैदा हुआ था मेरी 19 साल उम्र थी नहीं माँ मुझे पता था जब 19 साल उम्र थी क्या जब तैं पैदा हुआ तुझे पता कि तेरे घर घुसरे आए थे माँ बाप तो बताते हैं ना कि हमने बड़ी खुशी की थी ये जो पैदा है उसकी तो तू ऐसे मैथ कर रही ये भी तेरा भाई लगा ए जो पैदा है बाकी 19 साल उम्र सी अच्छा मलियाल ने कहा की होया कहना जी बस 19 भी हो गया ये जब पैदा आप जब पैदा हुए थे आपकी ये जब पैदा हुआ उस वक्त दाई से पूछा बाणा क्या हुआ तेरी कुछ समझ नहीं आ रही पता नहीं चल रहा उसमें नमक डालो तो नू नू करे बस ये नहीं समझ आ रही क्या ऐसी कोई नमक आराम तो नहीं ना जितना मर्जी नमक नमक आराम भी तो शुगर आराम भी तो इसको घर से निकाल दे तेरी मेरी जिंदगी ऐसी गुजरे अभी करते हैं बात इसी पे बात करें भैन के घर जो ब्याह गया यकीन कर बाजी मेरी जो टुरन लगे धियां रोंदियां नी वो रोंद ही कहना जो रोना तो इतने ही रह पो तू क्यों रो रही है हाँ। रोना तो मुझे चाहिए जो तेरी जैसी औरत लेके जा रहा तेरे, मतलब तेरे जैसे अच्छी खासी मेरा मुंह कर की मसला मेनू अच्छी खासी है बाजी ये कुछ खाने देखे हाथ उठा रही मेरे पे हाथ उठा रही भाई जेब देखो खबी जेब परौंठा होगा कौन सा खबी जेब में परौंठा तेरे यहाँ को बगारत के बच्चे तंदूर लग रहा मेरी खबी जेब में तेरी भी शुगर लो रही है ना आप बैठे आपको देंगे चाह को पानी आपको मिलेगा कोर्ट तुम ही चने पाए होंगे कोर्ट में अच्छा कोर्ट में चने डाले हुए थे घोड़ा वो अच्छा जी अब उनको बुलाते हैं आपके क्या लगते हैं वो कजन क्या नाम है उनका डजन दानियाल देख रहा है इसके एक्शन देख रहा तू हाँ जी दानियाल इसके एक्शन से तू क्या अंदाजा लगा रहा तय भी दियो बहनों वाला तो तू हाँ सच्चा प्यार क्यों नहीं करता मैनु है? सच्चा प्यार कर कर मैनु सच्चा प्यार अब तेरी खातर तिजाब डाल लू ऊपर बता तुझे सच्चा प्यार क्या चाहिए चले देखते हैं उनको बुला के जी तो तशरीफ लाते हैं ओ गेंडे इधर होकर बैठ सर दानियाल हाय स्वीटी इधर आजा इधर आजा इधर आजा उधर बैठ आजा ना मैं यहाँ बैठ तू आजा इधर आजा आजा तू भाई आजा भाई ऐसी कोई बात आ ना कोई मसला नहीं
आजो गुस्सा कर रहे हैं आप। कोई गुस्सा मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? नहीं नहीं मैं तो गैरत नहीं कर रहा, गुस्सा क्यों करूँगा? दानी यार क्या ओ, आप उठ खलो भरावा, तू केड़ा इथे धरना देता है, उठ खलो। ऐसा मत किया करें, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बड़ी बड़ी मैं आपकी कद्र करता हूँ। कितनी प्यारी लग रही हो है। आ, क्या कर रेड वाली लिपस्टिक लगानी थी, ये क्या लगाया भला? जल्दी में आए, मुझे क्या पता था तुमने मैरून, मैं भी मैरून कलर के कपड़े पहन लेती। कितने प्यारे लग रहे हो, यकीन करो ये कॉलर क्या लग रहे हो। डूब के मर जा। मतलब के ये कजन की मोहब्बत दानी भाई, हमने बचपन इकट्ठे गुजारा, कॉलेज में हमने इकट्ठे थे, बाद में इस संडे से शादी होगी। नहीं तो आप कॉलेज में इकट्ठे थे, बचपन इकट्ठे गुजारा, स्कूल इकट्ठे जाते थे, उनकी शादी हो गई है, आपको कोई लड़का नहीं मिला? आप क्या क्या कह रहे हैं? मेरा मतलब है की आपकी शादी नहीं हुई? नहीं अभी शादी करने की क्या जरूरत है, भैया का घर जो है खाना इधर से मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दानियाल भाई, हाँ जी, कुछ चीज खाने ले आए हो? क्यों नहीं ले? नहीं दफा हो फिर। यार आपके इतनी शुगर लो है। आप नीचे मत बैठे प्लीज, आप बाहर चले जाएं। नहीं मेरा मतलब ऊपर बैठे मेरे मेहमान है, भट्टी साहब उठे भाई जान, उठ खड़ो, वो लगता खुसरिया का बकाया देने वाला बैठा। अगर आप इधर बैठेंगे ना तो दही खट्टा निकला रोस गए हो। अब आप देखें कि बचपन में हम चार चार घंटे गुम हो जाते थे, मिलते ही नहीं थे। कहां गुम हो जाते अब थे? क्या आजाब है, अब क्यों नहीं गुम होते? कहीं गुम हो जाओ, खुदा करे जिंदगी भर ना मिलो। भाई हमने बर्गर खाने के लिए, हमने बर्गर खाने के लिए जाना। पाइन उठ पो ताड़ी मेहरबानी, मेर अली शेर अली दी वैगन हुंदी है, उठ पो। भाई रेम्बो साहब हमने बर्गर खाने के लिए जाना। उठ जाए, नाराज ना हो। भाई रेम्बो भाई जी, हमने बर्गर खाने के लिए जाना, एक बाइट मैंने लेनी, एक बाइट रक्षी ने लेनी। तो जाहिर बात है बगैरत के बच्चे गुर्बत ही इतनी थी, एक तो बर्गर लेते थे। अच्छा जी, इनकी बहस चलती रहेगी, ब्रेक का वक्त हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम वेलकम है खवातीन हजरात हमारे साथ रहने का, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वापस तो आने दे, और पूरा मुझे वापस तो आने दे, ये वापस तुझे कहां से आने दे? मेरा मतलब है ब्रेक से वापस आ, ये मेरी भाई इज्जत है, यहां बिठा कर नीचे, वो भी मने मजाक कर रहा, वो भी मने मजाक कर रहा, बोला मुझे शोर करता है, हम दोनों बैठे बात कर रहे हैं ड्राइंग रूम में, ऊपर से आके शोर मचा देगा, क्या हो रहा है मेरे घर में? नहीं तो आपका एक मिनट मुझे बताएं, दानियाल नाम है? हाँ जी दानियाल। आपका क्या काम है, शादी हो चुकी है आप इनके घर की? क्या मतलब, मेरा कजन है, मेरी सक्की पुप्पो का बेटा है, तुम्हें दो शर्ट्स दी थी ओवरलॉक के लिए, लेके नहीं आए तुम? नहीं वो हो गई है। हाँ मेरी दोनों शर्ट्स उनके साथ दुपट्टा मैच करके, तुम मने दे देती शर्ट ओवरलॉक के लिए, मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, मैं सूडान से आया हूँ, मेरी जुबान नहीं समझते वो। इतना जालिम आदमी है, जब इसकी शादी हुई जी हनीमून के लिए दोनों जा रहे थे, मैंने कहा हम अपनी टिकट खुद ले लेते हैं। हाँ। नहीं हमें साथ नहीं लेके गया हम दोनों को। हनीमून अच्छा, पे आपका क्या काम है यार? हम साथ जाते जाते ये चलते चलते गिर पड़ती है ना यूं, इसका ध्यान करते ये उल्टियां करती है ना, तुम सीधियां करते। मेरा एक मिनट, इसकी तो समझ आती है, ये जी साला है साथ ही आया है, दो दिन पहले सामान सेट करने आया, खुद सेट हो गया। हाँ। आप क्या करने आते हैं? अच्छा, आपका क्या काम है? इंसान की नजर गंदी, ये मुझे गाइड करता है, मेरे को ऐसा उसके साथ पूरी। हाँ। मेरी कजन है रक्षी, हम मिस करते एक दूसरे को, शादी हो गई, अगर मैं कहीं कंफ्यूज कहीं फंस जाती हूँ, ये मुझे गाइड करता है। तू फंसती क्यों है? तू को गटर है, को नाली है, तू इनका और मेरा जब भी झगड़ा होता है ना, थोड़ी में कंफ्यूजन होती है, ये मुझे समझते नहीं है, ये मुझे सच्चा प्यार नहीं करते। हाँ। सच्चा प्यार तेरे से क्या करूं, मौत को कुएं में मोटरसाइकिल चलाऊं तुझे बिठा के? अच्छा।
आपसे अकेले भी नहीं चलाई जानी, मुझे क्या बिठाएंगे आप? अंदर से तेरा जो दिल है ना भाईजान, वो हल्का हल्का मचलता है जब तू यूं हाथ लगावे अनु कर के। भाईजान ने नवी मोटरसाइकिल ली है, कंपनियां ने एक शर्त दी है। क्या? उन्होंने कहा तू उत्ते नहीं बहेगा बस। तो मोटरसाइकिल लेने का फायदा मोहल्ले वालों साथ लेके चलता हूँ ना। मुझे बाइक पे लेके जाता है, इतना मजा करते हैं हम लोग, कितना हाँ। अच्छा लगता है हाँ। ये बाइक पे बिठा ही नहीं सकता मुझे, जगह ही नहीं बचती पूरे बाइक पे। आधे पे ये खुद होता है, आधे पे इसका पेट होता है। सो दानियल ते तो बहुत छोटी है ना, है ना? हाँ। तो छोटी सी निकर पहन के ना आगे बैठ गया कर यू पकड़ के। अच्छा एक मिनट साला साहब, आप मुझे ये बताएं, आप तो साला साहब तेरा आप, साला आप मुझे इनका नाम ही नहीं पता। तो उन्होंने कहा साला साहब क्यों कह रहे हैं? साला तो मेरा विक्की, विक्की मेरा नाम विक्की, विक्की विक्की हले तक नहीं विक्की वो कहावत आपने सुनी होगी, सो रहे थे कार। ये तो मैंने कह दिया तो मैं वक्त तू कोमे में था। मैं दोबारा आ रहा हूँ ना, उसका जवाब इनसे नहीं लेना। ले ये सुनी है ना आपने, भैन दे कार पाई बहु बहु, सो रहे थे कार जवाई बहु बहु, ठीक हो गया। तो आपको नहीं शर्म आती कि लोग आपको क्या कहते होंगे? एक ही बात करूं? हाँ जी। नहीं मुझे अपनी, मैं अपनी बहन से बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, मैं इनके बगैर रह ही नहीं सकता। ठीक हो गया। आप कजन है, आप भी भाई लगते हैं। हाँ जी, कजन भाई हैं आप। नहीं भाई नहीं, आपको ये शर्म नहीं आती? भाई वो है, कजन ये है। कजन में मार्जिन होता है, पिक्चर भी जाते हैं हम, बाहर आउटिंग के लिए भी जाते हैं। अब उनके पास टाइम नहीं होता। चले ठीक है। तो आपको कोई शर्म है या कोई नहीं? शर्म वाली क्या मतलब, मैं एक शर्ट उतार के जा रहा हूँ मैं? शर्म वाली कौन सी बात है? मैं पान थूक देता हूँ इसपे, इसके कपड़े फाड़ देता हूँ, इसके बालों में पटाखा चला देता हूँ, तो कौन सी शर्म वाली बात है? अच्छा जी, अब मैं आता हूँ आपकी तरफ, कौशल भट्टी साहब। नाम ही कमेटियां खाने वाली औरतों जैसा कौसर। चलो नाम तो अच्छा, इसका नाम, इनका नाम भला कैसे पढ़ाइए? कैसे? ये एक बड़ा वाक्य है। वो कैसे? बस में जा रहे थे, डाकू आ गए। अच्छा। उन्होंने एक औरत के पिस्तौल रखा कि माई जो निकाल, जो कुछ है निकाल दो। वो औरत कहने लगी तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? डाकू कहने लगा कौन हो? कहती मेरा नाम कौसर है, ये मैं गाँव में रहती हूँ। डाकू रोने लग गए, क्यों इसका सामान वापस करो, ये तुम्हारी बहन का नाम है कौसर। इसके पास भी आए, इसके लिए सुन लिया, इसके पास भी है, उसने कहा निकाल दो जो कुछ है, तुम्हारा नाम क्या है? कहता नाम तो मेरा अकबर है जी, वैसे लोग मुझे प्यार से कौसर कौसर कहते हैं। देखो कैसा सुराड़ी है। अच्छा नहीं, अब आप मुझे बताएं, ये वैसा वाक्य कोई ना सुना, ये शो का टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपको गुस्सा नहीं आता कि आप निकालें इन्हें, मार के निकालें घर से? गुस्सा मुझे नहीं आता। हाँ तेरी क्या सलाह के सारी दाढ़ी में ट्राली ईंटों की सर में मार लूं मैं? ना गुस्सा आता है, ना गुस्सा प्यार आता है। अच्छा ना गुस्सा ना प्यार, ना गुस्सा मतलब प्यार। तू मेरे से किस किस्म की तवक्को चाहती है कि चावल उबाल के पिच ऊपर डाल लूं? और पिच पीने वाला खोता। ये प्यार तुझे चाहिए मेरे से? अच्छा मुझे ये बता तुझे मेरे से क्या प्यार चाहिए? वो रॉ वाली रेडी में सिर दे दूं यूं करके तेरी खातिर? बता रेड़ी में सिर देना है, रेड़ी को क्यों बर्बाद करना है? में इतनी जगह नहीं, ब्रेक का वक्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ जी, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम बच्चा उठाओ और चलो मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। मैं इसके साथ नहीं जा सकता। और मैं भी ऐसे नहीं जा सकता। शायद तुम जानती नहीं हो मैं आज तक किसी के दरवाजे से इस तरह नहीं गया। चलो मेरे साथ। बहरान। पारसाई देखिए हर इतवार की रात 9:15 पर सिर्फ एटीवी पर। वो
वेलकम बैक खवातीन हज़रात, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अभी तक इनका झगड़ा चल रहा है जी। मैं आप अच्छा आपसे बात हो गई थी, आपको अपना घर बसाना चाहिए। ये रिश्ते वो होते हैं जो शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद जो आपका मियां चाहेगा जैसे वो आपको रखना चाहता है आपको वैसे रहना चाहिए। एक कहना तू छत पे रह, मैं थले रहना। छत पे तुझे क्या, क्यों मैं रख रहा हूं कबूतरी तू? अगर मेरा मियां मैनू सच्चा प्यार नहीं देगा तो मैं अपने भरा नाल भी ये दुख सुख ना करा, ना अपने कजन नाल करा। तू मुझे आज एक बात बता दे, तू सच्चा प्यार किसको कहती है वो बता। शाही किले के दरवाजे में जाके बाजू दे दू यूं करके बड़े ना। देख रैंबो मेरी बात सुन जी, ऐसी औरतें जो ना वो बाद में पछता में बाद में, जब कोई खुदा ना खासा मैं गलत फैसला कर दूंगा। हाँ। फिर ऐसी औरतें तो ये मेकअप सेकअप करके ना, हाँ जी, फिर ऐसी औरतों के जुए पड़ी होती हाय बुरे एल्बम के दहाड़े, काश मैं ये गलती ना करती। मुझे बताओ भाभी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें ये बंदा आपको मिला है। अगर आपको वो आजी जुल्फकार साहब बैठे हुए हैं ऐसा कोई बंदा हो, तीन डिलीट कर चुका है बीवियां। रैंबो साहब ये दोनों वो तीन तलाक तलाकें दे चुका है अपने सालों की वजह से, तीन तलाक। इसके घर में तो तलाकें ऐसे लटकी हुई जैसे बिजली के बिल भी तार में लटके होते हैं। और हमने फोन किया जी, टीम कह रही है जी कि इनके घर से यही हुआ कि जी इनकी दो तीन शादियां पहले। रैंबो साहब मैं चाहती हूं तो ये अपना थोड़ा ये अकल करें, इस जैसा शक्ल इसको मिलना चाहिए था, ऐसा मिलना चाहिए ऐसा दूसरे। मेरे जानू अगर तुसी वेट कम कर लें आप थोड़ा सा, और आप मेरे साथ कहीं वॉक पे जाएं, कहीं हम लोग मूवी पे जाएं, यू नो लाइक रू रू रू, आप तो ये भी नहीं कर रहे। मैं वेट कम कर लूं? तूने मुझे से क्या हॉकी की गेंदें उठवानी तूने मेरे से? रैंबो भाई हम दोनों आप थोड़ा वेट करेंगे, वेट कम कर लेते हैं। रैंबो साहब ये सारा तेरा काम है, ते मुझे ग्रीन टी बना के दे, बीच में थोड़ा सा लेमन डाल के मैं उसका सुर्खियां भर भर के पीऊं। नहीं अब एक आप खुद को खुद चल भी नो, कितनी दफा मैंने ग्रीन टी बना के उस खोली में डाली है जहाँ भैंसे खाती है। भाईजान जिथे ना गए, अच्छा तेरी सोच पे लानत है। थैंक यू। अच्छा बसना इसने भी नहीं, क्यों नहीं बसना? और नहीं। तलाक तुझे भी होनी है। ना, 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 ऐसी बात नहीं है, भैणा दे घर वासले जुड़े। हाँ। लेकिन भाई दे नाल जिथे भी असी गए ना, हाँ। बस च तीन सीटा लैंदा है, हाँ। उहदे ते आप बैंदा ते बाकी जगह ही नहीं बचदी, असी थले बैठे होने। और मैं जाती हूँ तो मुझे चिड़िया घर गए। आपका क्या मसला है, वो आपको यहाँ बिठा लेते होंगे। चिड़िया घर गए असी लंघे हैं, बंदर इसके साथ सेल्फियां बना रहे, मैं कभी क्या होगा? कह रहे हमारा नाजिम आया। मतलब मेरा भाई बांदर है ना, अब रात की रोटी लेना मेरे से। और रात की रोटी लेना, पहले बड़ी तू उसे गड़बी के ऊपर रख के आती है मेरा माही, पहले तो बड़ी रोटी मुझे देती बाथरूम में बैठा होना। यकीन कर रोटी रात को आखिर से मांगता हूँ। हाँ जी टाइम पे आ जाएगा रोटी। लेटी लेटी रिमोट हाथ में पकड़ा, टीवी देख रही, यू टांग साफ करी वहां पड़ी ले ले। ऐसे ना क्या उठा के मेरी तरफ देख। अस्सलाम वालेकुम। रैंबो इससे पूछ करे शादी। ये देख रहा है ये मैन हैंडलिंग कर रही, मैं तेरा सच्चा प्यार है सिर्फ। हाय कौन मेरा सच्चा प्यार है? तुझे तो मैंने सच्चा प्यार किया ही नहीं। कैसी हो कभी? आई एम गुड जी, मैं हूँ फजर अली। हम करते हैं बात बराह रास्त, आप देख रहे हैं CIA न्यूज, चलते हैं हेडलाइंस की। चलो यार, चलो यार, हाँ भाई खैर जो चलते नहीं, उसने कहा चलते हेडलाइन की तरफ। अरे क्या है, मैं सिर्फ इसलिए जनाजे के जान नहीं जाता, मेरा जिंदगी का पहला और आखिरी जनाजा तेरा होगा।
अच्छा मैंने आपको एक मशवरा देना, आपकी शादी नहीं हुई ना? मेरी शादी नहीं हुई, आपने करनी भी नहीं है। क्यों वजह? क्योंकि आपकी शक्ल ना नानो जैसी है। ये आपने बताई बात इसको? जी मैंने बताई। मैंने देखो पूछो चीनी के ओ सूजी है गी? किसके बाद? इसके बाद नहीं नहीं अभी तो दुकान खाली, मेरे ख्याल नहीं नहीं की इसने। देखिए ये न्यूज़ रूम है, मुझे अपना बैठ जाए बट्टी साहब अपने लिए, मुझे अपने लिए दो निकरें चाहिए और इनके सर के लिए एक बड़ा कुछ चाहिए। देखिए ये न्यूज रूम है। अच्छा आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? आप दोनों कोई और घर ढूंढो क्योंकि हमें कोई बच्चा चाहिए। हाँ तो आप यहाँ पर अपने काके ढूंढ रहे हैं? बाजी कौशल इधर आ जाओ। कौशल बाजी कौशल जी भाई इधर बैठो। इनका नाम कौशल है? कौशल है। तेरा नाम भी कौशल है? नहीं नहीं तेरी अम्मी का नाम भी कौशल है। ओ माय गॉड बड़ा तेरा सफरी हुक्के जैसा मुंह है। ये भट्टी साहब सफरी हुक्का कौन सा होता है? वो छोटा सा नहीं होता ऐसे बंदा ट्रेन में गुड़ 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 गुड़। जी जी पहली खबर। आप साहब होस्ट हैं, आप क्यों मरासियों की तरह जुकते करने शुरू कर देते हैं? बहुत अच्छे इधर आप एक तवीज धागा इसका चल रहा ले लो कारोबार चले। आपको भी काश मेरी तरह का इज्जत वाला काम मिला होता। जी जी बड़ा इज्जत वाला तय तू कर रही जी। पहली न्यूज का आज की पहली फ्री लोका नाल आई खबर पढ़ना थे अगले पीछे बीच में टीवी में से जवाब दे रही टीवी जो पूछ लेनी है क्योंकि हम करते हैं बात बराहे रास्त। जी आज की पहली खबर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ख्वाजा सराओं के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान कर दिया। चल तेरा फ्यूचर बन गया, मेरे खावन का फ्यूचर बन गया। तेरे खावन का नहीं बनगा, तेरी इस बहन का बनगा। ये जो इसकी शकल है वही आपका मतलब है ना ख्वाजा सराऊ? ख्वाजा सरा को भी पढ़ना चाहिए। हाँ। फ्री है फ्री भाई ख्वाजा सराऊ का हक है उनको इस मुआसरे में। हाँ। पूरे हकूक देने चाहिए। जब इब देखो उनका सनासी कार्ड बन गया उनको वोट का हक दे दिया तो फिर उनको नौकरियां भी दे रहे हैं यूनिवर्सिटी में। देखना इब आज तू यार एंकर लग रहा कल को यार ना हो तो कम अज कम तुझे नौकरी तो देनी चाहिए ना। देखा आप मजाक में टाल रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए पढ़ना चाहिए। हाँ। बड़ी बात है कि फ्री एजुकेशन उनके लिए होगी भाई। मुआसरे में उनको बराबर के हकूक देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई किसी माँ के बच्चे हैं किसी बाप के बच्चे हैं वो ऐसे को ऊपर दरख्तों से तो नहीं गिरे ना जी। वो भी बड़े दुखी होते हैं लेकिन लोगों को खुश करते हैं। बीए पास एमए पास ख्वाजा सरा होगा मुआशरे की तरक्की होगी। नहीं बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं हमारे बोबी साहब जो हैं। हाँ बहुत सारे लीडर हैं लेकिन ख्वाजा सरा लेकिन क्लास लेना ही होनी चाहिए। ख्वाजा सरा क्या होती है जी? क्लास क्यों होनी चाहिए? क्यों इधर जो पीरियड की घंटी बजनी तो उन्होंने नचड़ना पड़ना। हाँ ये मसला यूनिवर्सिटी वालों को सोचना चाहिए। दिल करे गन मैन नु कही जाना मुबारक होवे मुंडा होया मैं भी 6वीं च हो गई हां। तो क्या तेरे के सलाह के पीरियड की घंटी ना बजे? हाँ बस फिर उनको बुलाने के लिए छोटे छोटे पटाखे रखो। चल भाई आज अभी पीरियड होगा। जी जी अब आपके आंसू से मोबाइल चार्ज किया जा सकता है। आपको में होते हैं आंसुओं से बहुत अच्छा। बंदे को रोना आए तो 8 दिन काल ही ना कर सके। बाकी की खबर सुन ले अनिल ने। जी तेनू पैन दीती तू 24 घंटे रोएगा। जी मेरा शहजादा साइंटिस्ट की रिसर्च के मुताबिक दरियाफ्त किया गया है कि इंसानी आंसू से मोबाइल चार्ज किया जा सकता है। बहुत अच्छा। अब जैसे ही किसी के घर में कोई फौतगी हो साथ वाले घर भी मोबाइल दे जाए भी आपने तो रोना ही है ये चार्ज कर देना। ये फौतगी पर चांस ज्यादा होगा है। फौतगी पे जो लैन लगी हुई क्या मतलब आंसुओं के नीचे मोबाइल रखना है कैसे चार्ज? नहीं इसको पता होगा जिसकी शक्ल आंसू जैसी है। हाय वैसे फजूल खबर है ये। नहीं नहीं फजूल नहीं ये फजूल जुगत है। साइंस तरक्की कर गई है। अरे इतनी मोबाइल चार्ज करना हमें बच्चे नु चपेट मारे चल के रहा। अरे ऐसे साइंसदान बातें छोड़ते रहती हैं ये कोई बात? आंसुओं के साथ मोबाइल आंसुओं के साथ 6-6 दिन बंदे को दफनाना ही नहीं मोबाइल रोए जा रहे क्या भाई हमारे मोबाइल चार्ज हो रहे कैसे दफन करते हैं नाल दे कार। अजय
عجیب بات نال دے گھر لوکی روندے ہن کہن گے فوت گئی ہوئی کہندا نہیں جی موبائل چارج ہو رہا ہے بولو بندہ اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہاں ساتھ بھائی ذرا رو تو صحیح نا دفن تو ہو رہا ہے میں نے موبائل چارج کرنے جا رہا ہوں 80% ہو گیا ہے میں سفر کی بندہ بس بیٹھا رو رہا ہے انہوں کہے یار 6-7-8 اور گرا دے 80% ہوا ابھی گرا دے یہ عجیب و غریب خبر ہے نہیں کچھ خبریں ہوتی ہیں جو سن کے یقین آ جاتا ہے کہ دماغ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ وہ واحد خبر ہے جو پہلی خبر ہے شاید جس پہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ریمبو یہ سائنسدان لوگ جڑے نا یہ بڑے کمال لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے ہاں کچھ بھی ہو سکے یہ سائنس دیکھو کتنی ترقی کر رہی ہے لیکن شاید کوئی کام کی چیز جو انسانی دماغ سوچ سکتا ہے نا وہ بات ہو سکتی ہے لیکن انسانی دماغ یہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آنسو صاحب جب یہ ہو سکتا ہے تو اور کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے یہ میرا بہنوئی ہے نا اس کو سی این جی پہ کر دیا انہوں نے صحیح بات ہے سلنڈر باندھ کے پھرتا ہے پورے شہر یہ بھی پہلے سی این جی تھا اچھا پھر سی این جی ہوگی بیچ میں بند اس کو پھر میں نے پاتھیوں پہ کروا لیا اب کیا کہ دو تین پاتھیاں رکھو آگ لگاؤ پٹ 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 ہو گیا بھاگا اگلی خبر سنا جی بڑا لڑکے کے بولنے آپ اپنی گھٹیا چکتے ہیں بند رکھے چھوٹا بٹن کون سا ہوتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا جو ٹچ بٹن ٹچ بٹن بڑا بٹن میں تو مائی انجینئر گئے جب ٹچ بٹن سے جوڑی چٹ بٹن اچھا اب اپنا بٹن بند کر چٹ بٹن کون سا یہ والا بٹن اپ کم آن اوپر والا کو پھانسی لگنی انہوں نے واہ بھائی واہ بڑی جھوٹے کی تو نے اچھا جی لڑکے کے بولنے پر سیٹیاں بچنے لگیں 14 ہاں نہیں خسرے کے نہیں لڑکے کے اچھا ہاں 14 سالہ لڑکا جب بھی بولتا ہے صرف سیٹیاں ہی بچتی ہیں کیونکہ موصوف سیٹی ہی نگل گئے اوئے سیٹی کھا گیا نا اوئے اندر چلی گئی سیٹی جب یہ لگ گئی نہیں ساڑھے پانچ اندر تے انجن لگ گیا سی میرے اندر تے انجن لگ گیا سی اس کے اندر ایک دن پانچ والا ٹھپا چلا گیا بیٹھا پریشان میں کہا کیا ہو رہا کہہ رہا بھائی جان دعا کرو ایک جگہ پیمنٹ پھنس گئی نکل آئے یار یہ تو سیٹی غلطی سے ہو گئی ہے لیکن ہمارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بکر عید پہ ہڈیاں کھا جاتے ہیں اور اس دفعہ بھی 600-700 لوگ اسپتالوں میں تھے بھائی وہ اچانک ہوتا کوئی جاہل آدمی نہیں جو زبردستی خود کھا اچانک کیسے ہڈی جا سکتی ہے جل چلی جاتی بے صبری اور گھوٹی کے اندر وہ لپٹ گئی یار آپ کو نہیں پتا چلتا نا آپ تو ہڈیاں کیا پتا نہیں کیا کیا کھا جاتے کیا کیا کھا گئے میں تو ایک دن تیرے گھر گیا تیرا بیڈ کھا گا تیرا صوفہ کھا گا تیرا کارپیٹ میں نے مکھن لگا کے کھا لیا ہے نا یہ تو ایک دن کھڑی گائے بھی کھا گئے تھے اور کہتے جا رہے ہیں باپ ایمان سے ہاں نا بڑا تیرا چھوٹے سوار میں جیسا منہ ہے اب کوئی بات نہیں آئی نا چھوٹا سوار میں کاغذ کے اندر یوں لپیٹا ہوا بندہ آدھا کھا کے پھر جیب میں رکھ لیتا کل کھائیں گے آپ کو کوئی انٹلیکچوئل جوک نہیں آتی اچھی انٹلیکچوئل جگت نہیں آتی میں انٹلیکچوئل جگت کروں تو مارگریٹ تھیچر ہے اچھا بندہ سیٹی جدو کھا دا وہ سیٹی ہی بائی دیا ہاں سیٹی ہی کھا دا پائن جدو انجن کھا گئے نے وہ تو پائن جدو گل کر دے پانچ سو روپئے نہیں پھر ہری چڈی دے کے کھلاری دا جی ہاں اس کی ماں اس کا باپ میرے پیچھے آ رہے تھے ہیما مالنی کے ہاں 80 لاکھ کی چوری چور جاتے ہوئے کپڑے اور نقلی زیورات بھی لے گئے شولے والے کپڑے بھی لے گیا بسنتی والے بسنتی والے نقلی زیورات بھی لے گئے نقلی کہہ رہی ہے نقلی زیورات بھی لے گئے نے چاول جان دے کچھ لے آ کے دیتے تینوں پتا چلے نقلی زیورات پوچھ اسے کس نے مہنگے ہیں نقلی بھی نہیں نہیں ان کو سمجھ نہیں آئی وہ بیٹھ کے چیک کرتے اصلی کون سے ہیں نکلی کون سے ہیں سارے لپیٹ کے لے گئے یار ویسے ہیما مالنی صاحب دیکھو یار کتنی چوری ہو نہیں میرے سے چوری نہیں ہوتی جب تجھے بیاہ ہے تیرے ماں باپ تجھے دے دیتے یہ جو اتنی باتیں کرتا یہ تجھے کو 10-20 تولے سونا دے دیتے تو میرا پیار کرے نا میری گل سنو چوری نہیں کر سکتا یہ جڑے کپڑے چوری ہوئے ہیں یہ بسنتی دے وچ بچے بسنتی دے تے چور اپنی ماں نوں پوا کے کہندا ہونا کے سامنے مت ناچ
वो दन्नो वाला शेंटा भी ले गए हैं, वो जो दन्नो को मार दी। अच्छा वो भी ले गए, वो भी ले गए यार, देखो शेंटा भी ले गए। आप उनमें से एक चोर के दोनों बाजू काट के ऊपर चादर देवेंगे, क्यों ठाकुर बनावेंगे उसको। ये हाथ हम कर दे ठाकुर। हाँ हाँ फनकार की घर चोरी नहीं होनी चाहिए, उसकी यादें सारी चोर ले जाते सब प्यार करते हैं। हाँ, 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 उनको पता नहीं होगा जी हिम्मा मालिनी का घर है, वरना ऐसे हो नहीं सकता। ऐसा होता तो चोरी नहीं करते कभी, कभी भी नहीं करते। लेकिन साडे घर कभी चोर नहीं आया। एक बार आया भाई पता लग गया, भाई उत्ते बह गए चोर दे, मैनू कहते जा पुलिस लै गया। अच्छा मैं जा ही नहीं सी रहा, मैनू कहता पुलिस क्यों नहीं लिया। मैं कहा जी भाजी जुत्ती नहीं लभ रही, चोर थलो कहता भाई मेरी पाया जा तेरी। चादर उठाई तो अल्लाह खलानत है जिनके बच्चे ऐसे, इनके घर में क्या होगा। जी। गंजे अंकल आप अपनी चवलें जारी रखें, CIA न्यूज से हफ्ते के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले बुलेटिन। देखो मेरी बात सुन लो, ओ मैं जाने दे दबा कर। चले जी ब्रेकिंग न्यूज के बाद हम भी ब्रेक पे चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हम अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो हम आपको यह मौका देंगे FIA में। देखते हैं आज हमारे साथ कौन है। जी सलाम। ये तो यार अपना ही आदमी है भाई। अल्लाह रखा पड़ता है क्योंकि इसका नाम पूरा कही है, कही है, अलग है। अच्छा अपने रंग की वजह से इन्होंने नाम रखा। इसे कह दे अल्लाह रखा छोटा। अल्लाह रखा साहब मैं एक बात बताऊं आगा साहब आपको। जी जी मैं रखा साहब को बड़े अरसे से देख रहा हूं। इंजीनियर इंजीनियर और देखें हमारी हिम्मत है, हम इनको देख रहे हैं, देख रहे हैं। चले जी हमने भी आज देख लिया। अच्छा दफना दो। सारी जिंदगी कुत्ता नहीं पाएगा। जिंदगी दे गिली मिट्टी ते कुकड़ फिरन वाला हुंदा। अगर अगर तुसी 5 मिनट लगातार नहीं देखोगे एक कुत्ते नूं पाई जांदे। मच्छर दे के क्या देंगे अब्बा तू निकल जाते होंगे उस घर से। आज रखा हाथ है। अच्छा इनका काम है आसाना, लेकिन आज ये मेरी टीम के काबू आ गए। एदी ते तस्वीर घर लगी हुई जादू टूना की माना घर च प्रौणा नहीं आता। प्रौणा भी नहीं आता ना? नहीं, जादू टूना कैसे आ सकता है? एदी तस्वीर घर च लगी हुई बच्चा रोंदा नहीं। क्यों क्यों रोंदे रहने आ करके देखता। अच्छा जी अल्लाह रखा साहब बहुत कुछ हो गया आपके साथ। अच्छा क्या सुनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम मौजिज हवदन उदरात। काफी पै चुकी है रात। बात यह है कि आजकल दुनिया को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं अमेरिका गया, अमेरिका च मैंने निके कुत्ते वेखने इंग्लिश बोल देने, कोई मेहमान है तो कहने वाओ वाओ वाओ। अरे वाह रे वाह क्या बात है, वाह 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 बहुत आला। जिहड़े अमरीका दे कुत्ते होंदे ने बदतमीज नहीं होंदे, पढ़े लिखे होंदे ने, क्योंकि अच्छे कुत्तियां च बैंदे ने। पढ़े लिखे आह इंग्लिश बोलते। जिहड़े पिंडां दे कुत्ते होंदे ने बदतमीज होंदे ने, क्योंकि उन्हां नूं पढ़ना लिखना कुछ नहीं आउंदा, कदी अच्छे कुत्तियां च नहीं बैठे। कोलो बंदे लंगन बुलांदे किवें ने? वाह तेरी
क्या बात है, वाह जी वाह। ते पुरानियां फिल्मां जिहड़े म्यूजिक होंदे सन, गाने की होंदे सन, कोड़े वजन डे हीरो नूं, आ हा हा हा, ओ की दौर होंदा सी। इश्क मेरा ना हो तू इबादत तू मोहब्बत, तेरा दिल मेरी जान है। इश्क मेरा ना टा 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 कड़बड़ 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 क्या बात है रखा जी, सिर्फ साडा कलर ही पक्का नहीं, तुसी फनकार भी पक्के हो। वाह 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 जी। मैं तानू ओ आइटम सवालंगे जेडी आइटम है बैरून ने मुल्क की थी, यानी कि शेहूपुरे माइकल जैक्सन का छोटा भरा साइकिल जैक्सन। डम 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 श्रीलंका, डम 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 श्री पावे, डम 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 अहमदाबाद, डम 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 कामोकी, डम 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 तनुकी, चिक चिक टक चिक चिक टक, डम 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 हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी की तेरा मुंह जिवें चाह विच डूबी होई बाक रहानी, दिल दा बुआ खोल में अंदर आना चाहनी हां, तेरे बुए अगे फल फ्रूट में लाना चाहनी हां। वाह रे वाह क्या बात, जो मजाक जो था अपनी जगह, आप बताएं जी कितना बड़ा फनकार है कि नहीं, तालियां बजा के बताएं। इससे पहले जो मजाक हो रहा था वो अपनी जगह, लेकिन अब सीरियल अपना दिल तो नहीं करता थोड़ी इज्जत करने, लेकिन मजबूरी है। रखा साहब आपके लिए मेरे फनकार कुछ कहेंगे, रुखसाना क्या कहेंगी? आई थिंक अल्लाह रखा साहब के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है और मेरा कुछ कहना ही नहीं बनता। बहुत बड़े फनकार है, मेरी नजर में इस वक्त सबसे मुश्किल काम जो है वो वन मैन शो है। सज्जन आपको मजा तो आया होगा इनका? जी मैंने बहुत एंजॉय किया, सुपर्ब। क्या बात है सलीम साहब, झुकते हैं, आपने बड़ी कर ली, आप थोड़ी सी तारीफ भी कर दें। नहीं नहीं वो तो हमारा भाई है, लेकिन यकीन करें ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, ये अपने काम पे अमेरिका जापान पता नहीं कितने मुल्क फिर आया। जो तेरे अंदर है ना ओ कहो। अंदर क्या, अंदर क्या, अंदर को गाली चल रही हो कहो। नहीं 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 माशाल्लाह ये हीरा है। हाँ। बस ये कोड़े चो नहीं कढ़िया किसी। अजय जी मैं एक बात बताऊं, ये जो इनकी है ना ये झिंग चिक चाक चिक झिंग चिक चाक चिक झिंग चिक चाक चिक, ये आइटम मैं 1000 दफा देख चुका हूँ। हाँ। लेकिन हमेशा इतना एंजॉय करता हूँ जैसे मैंने पहली दफा देखा। सही है। क्या बात है, क्या बात जी। आगा साहब अल्लाह रखा माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रखा एक लेजेंड आदमी है। क्या बात है, इसमें मतलब ये आर्टिस्टों का आर्टिस्ट है, हम लोग इसे बड़ा एंजॉय करते हैं। क्या बात है, अल्लाह रखे यार का बंदा कहना होता, पैदा भी बांग्लादेश हो आज तक मच्छी नहीं खाती। अल्लाह रखा ने ये है कि ये इसकी काविश जो है ना, ये इसने अपना काम किया सारा, किसी का काम नहीं किया, किसी का काम नहीं किया जी, ये सारे आइटम इनके अपने अपने। अल्लाह रखा आपको अल्लाह मियाँ इज्जत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, आप हमारा मान है, हमारा फख्र है, अल्लाह पाक आपको और इज्जत दे। थैंक यू। बदल साहब जल्दी से एक बात कहें। मैं जी एक ही बात कहूंगा, अल्लाह रखा अपने काम का उस्ताद आदमी है, अपने काम का। क्या बात है अल्लाह रखा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया जी। हम कभी कभी अपनी मर्जी के फनकारों को भी बुलाते हैं जी, कुछ नया टैलेंट आता है, लेकिन ये अल्लाह रखा हम सब ने कहा जी कि बड़ा अरसा हो गया मेरी टीम सबको हंसा रही है, क्यों ना मैं एक ऐसा आदमी बुलाऊं जो मेरी टीम को हंसाए, तो कितना हंसाया आगा साहब। चलते चलते एक आवाज एक नारा, पाकिस्तान।